Hello everyone, welcome to Shyama's Makeover. How are you all of you? I hope I did great. Kirko machin, hello. So guys, आज हम लोग सीखने वाले हिना कोटेड हेयर पर कलर करना. जी हाँ, जानिए और सीखिए हिना कोटेड बालों पर भी आप कलर कर सकते हो. जैसे मेरी क्लाइंट शी सेड कि मुझे ये थोड़े थोड़े जो रेड है, अगर आप देखोगे श्यामा मैंने हिना लगा लिया, 5 महीने से मैं हिना लगा रही हूँ अपने बालों में, तो मुझे एक इवन टोन चाहिए. तो मैंने उनको बोला कि मैम आई एम गोना मिक्स 3 एंड 4 एंड मेजरल ग्लो D17, वो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ. मेजरल ग्लो D17 जो है न्यूट्रलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा कलर है, एज यू नो दैट कलर व्हील. चलिए सबसे पहले हम कलर व्हील के बारे में बात करते फिर शुरू करते. सो गाइस, कोई भी कलर करने से पहले हमें कलर व्हील की नॉलेज यानी बहुत ज़्यादा मस्ट है. तो कलर व्हील जो होता है उसके बाद अगर आपको अच्छी नॉलेज है कलर व्हील की, तो आप उसके बाद कोई भी कलर कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए देखते हैं. सो हिना, जहाँ हम बात कर रहे थे हिना की, और अगर हम देखते हैं हिना में रेडिश टिंच आ रहा था, तो रेड को कौन सा कलर न्यूटिलाइज करता है कूल में? जी हाँ, 0.17 जो है ग्रीन वो रेड को न्यूटिलाइज करता है, और 1 जो है वो कॉपर को न्यूटिलाइज करता है. इसीलिए हमने 1 एंड 7 लिया. मेजर सो 7 है जो है मैट, जो कि रेड को न्यूटिलाइज कर देता है. 1 एंड 7 ऑफकोर्स ये कॉम्बो होके आता है मेजर ग्लो में. ये कॉम्बो होके 1 एंड 7, मतलब 1 जो है कॉपर को न्यूटिलाइज करता है एंड 7 ग्रीन जो है मैट वो रेड को न्यूटिलाइज करता है. तो मोस्टली हमें क्या न्यूटिलाइज करना था? रेड. बट हाँ, बाद में हमने D11 भी थोड़ा मिक्स किया, वो भी मैं दिखाऊंगी. तो यहाँ पे 3 एंड 4 हाफ हाफ ट्यूब लिया हमने. ऑल्सो 3 नंबर हाफ 4 नंबर हाफ उस पर हमने थोड़ी सी क्वांटिटी मिक्स किया है 1.7, जो कि न्यूटिलाइज करने वाला है सारा रेड टिंच. एज यू कैन सी काफ़ी हद तक, पता है कितने परसेंटेज आपको प्रॉमिस करना है अपने क्लाइंट को? सिर्फ 80%, 70% प्रॉमिस करना है, 30% कहीं ना कहीं फिर भी रह जाएगा. क्योंकि हिना एक ऐसा पार्ट होता है बालों में, उसके पिगमेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए हम मना करते हैं कि मैम आप हिना मत लगाइए. फिर भी 20 साल पुराना हेयर कलर, मतलब जो 20 साल से हिना लगाती हैं, उनके बालों में भी मैंने ऐसा ही कुछ न्यूट्रलाइजेशन करके कलर किया था. वो प्रीवियस वीडियो में मैंने पोस्ट किया, जाके देखिएगा ज़रूर. सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ओलाप्लेक्स, जो बॉन्ड परफेक्चर है. ऑफकोर्स अगर हम बात करते हैं कि हेयर क्वालिटी मेंटेन रहे, डैमेज ना हो, ड्राई ना हो, तो आप ओलाप्लेक्स मिक्स कर सकते हैं जिस बॉन्ड परफेक्चर. एंड हियर यू कैन सी, यस अब हम इनको टचअप कर रहे हैं कम्प्लीटली, फिर हम पूरा ग्लोबल भी रिफ्रेश करेंगे वही सेम कलर. तो क्या देखा आपने, क्या सीखा इस वीडियो से? यही कि जब कभी भी रेडिश टिंच आ रहा है, तो रेड को क्या कलर न्यूटिलाइज करता है? रेड को कौन सा कलर न्यूटिलाइज करता है? ऑफ कोर्स ग्रीन, राइट? और इसी तरह अगर हम देखते हैं कलर व्हील में एक बार, कैन यू सी हियर रेड को न्यूटिलाइज कर रहा है ग्रीन, एंड जो ऑरेंज को न्यूटिलाइज कर रहा है ब्लू. ये मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी सिखाती हूँ, ये तो चलो कलर व्हील तो सबको ही पता है, बट उसके बाद उसको कैसे टेक्निकली प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के ऊपर, उसके लिए जब आप लाइव रहते हो तो आपको समझना ज़रूरी है कि आपको इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे आप कर सकते हो. आप प्रॉमिस नहीं कर सकते हाँ हाँ मैम कवर हो जाएगा, मैंने ये नहीं बोला मैम आपका कवर हो जाएगा. मैंने बोल दिया था 70-80% ही कवर हो पाएगा, 30-20% रह जाएगा मैम, क्योंकि हिना कोटेड. उसके बाद मैंने इसके ऊपर केराटिन भी किया था, ऑफकोर्स थोड़ा तो लाइट हो ही गया था. बट आप, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग उसके ऊपर केराटिन या ये कुछ कोई भी ट्रीटमेंट, मतलब कैरेटी ट्रीटमेंट मत करना उसके ऊपर. मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी ना, बहुत ज़्यादा वो सडनली हम लोग इमीजिएटली कलर करते हैं और उससे वो फेड आउट हो सकता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोचा मेजरल ग्लो का D11 और 11 क्या है ब्लू, वो किसको न्यूटिलाइज करता है? ऑरेंज को. वैसे ऑरेंज था नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स कर देती हूँ, बहुत ही लिटिल बिट मिक्स किया है. बट हाँ, 1 एंड 7 जो है, 1 एंड 7 मतलब ग्रीन को ज़्यादा किया, क्योंकि जो ग्रीन है हल्का सा रेडिश टिंच पे आपने न्यूटिलाइज करना है. तो गाइस, पहले आपने देखा कि फ्रंट लाइन पूरा ये टचअप करने का तरीका है, पहले हेयर लाइन करना है, फिर बैक साइड से आपने. अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल होती है. कई बार ही आप लोगों ने यही सीखा होगा, हिना कोटेड हेयर पे काफ़ी लोग मना कर देते हैं. पहली चीज़, हिना कोटेड हेयर पे मैं इनके बालों में जी हाँ कोई रेड टिंच भी कर सकते हो. तो हिना, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए कौन कौन से कलर्स आप हिना कोटेड हेयर पे कर सकते हो. नंबर 1, कोई भी रेड टिंच लाइक 4.20 कर सकते हो, 6.20, 6.26 कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो आप साथ साथ. जी हाँ, 6.26 कर सकते हो, 4.20 कर सकते हो, 4.26 कर सकते हो, 5.5 कर सकते हो, ऐसे सारे रेड फैमिलीज, चॉकलेट फैमिली आप कर सकते हैं. अगर वो टचअप नहीं करती, तो उन्होंने 5-6 मंथ से हीना ही किया है, उसके बाद सीधा मेरे पास आई है,
तो मैं कलर कर सकती थी, बट उनको रेड नहीं चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे 3 और 4 नंबर मिक्स करके कर रही हूँ। और जहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर आप लोगों के सामने है 17 किया, आप कहोगे मैम आप तो यू नो 5.17 भी कर सकते थे, यस कर सकती थी, बट उनको डार्कर टोन में चाहिए था, उनको बेसिकली अपने ग्रे कवर चाहिए था, रेड टिंच बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। इज दैट्स अ रीज़न हियर आई एम यूजिंग दिस टू कलर कॉम्बिनेशन, राइट। तो गाइस बताना चाहती हूँ, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, मैंने सोचा शायद ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल होगी। स्क्रीन पे अगर आप देखोगे इस वीडियो को, कैन यू सी दिस वीडियो, यस, कितना रेड था, इतने रेड कलर को भी मैंने न्यूट्रलाइज किया था इन्हीं कलर्स के साथ विदाउट पी लाइट। कहने का मतलब है ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हो 20 साल से हिना कोटेड हेयर पर को न्यूट्रलाइज जब आप कर सकते हो 17 and 11 के साथ, ऐसे कौन सा कलर मिक्स किया था। इसके बाद स्क्रीन पे वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में ये वीडियो आएगी, आप या तो ये जो लिखा हुआ है जो आप नीचे देखोगे 20 साल से हिना वाले बालों में कलर करना सीखिए, जैसा टाइटल में लिखा है ऐसे ही टाइप कीजिए और टाइप कीजिए बाय शामाज मेकओवर, तो आप देखेंगे इस वीडियो को किस तरह से मैंने इसका ट्यूटोरियल पूरा कंप्लीट बनाया है, आप जाके देखिएगा। गाइस ऐसे छोटी छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें मैं अपने चैनल में तो सिखाती हूँ, और हाँ हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, दिस इज़ बिग गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग बिगनर्स हैं, आप सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं हेयर कलर में, अभी भी वीक है, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी भी वीक हो, तो आप हमारी 9th बैच ज्वाइन कर सकते हो जो कि स्टार्ट होने वाला है 24th of April या कमिंग वेडनेसडे। ज़्यादा देर नहीं है, बस कुछ ही दिन बाकी है, जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। ऑलरेडी 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उन्होंने बुकिंग कर दी अपनी सीट। आप लोग भी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट 9871369576 और बुक कीजिए अपनी सीट, सीखिए और भी बेहतरीन चीज़, और भी बड़ी सी बड़ी छोटी सी छोटी चीज़ें मैं सिखाती हूँ अपने चैनल में। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारे कोर्स यू नो है, बेसिक टू एडवांस कलर कोर्स है, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आई नो कई बार ये वीडियो बहुत सिंपल है, बट हाँ आप इस तरह से बिना प्री लाइटनिंग के कलर कर सकते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट को ये बोलना कि मैम 3-4 मैं करूँगा या करूँगी, और हाँ 80% ही या 70% रिजल्ट आ सकता है, प्री लाइटनिंग नहीं करूँगा, करूँगी लाइक दिस। एज यू कैन सी हिना कोटेड हेयर बिफोर एंड हेयर यू कैन सी आफ्टर। सो गाइज कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल जल्दी मुझे बताइए कमेंट्स करके, ज्वाइन कीजिए क्लासेस एंड ग्रो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और हाँ अगर पहली बार आप लोगों ने चैनल में विजिट किया तो गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून, बाय।